मीजल्स रूबेला जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संस्थाओं के साथ ही सामाजिक संस्थाओं, एनसीसी कैडेट और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से दिसंबर 2023 तक इस बीमारी को जड़ से नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस तारतम्य में ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हेल्थ सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, सीएमएचओ और अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार के आह्वान पर मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। कोई भी बच्चा इस टीकाकरण अभियान में नहीं छूट पाए, इसके लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे भी कराया जाएगा, जिससे सभी बच्चों को यह टीका लगवाएं और बच्चे इस गंभीर बीमारी से बचे रहें। नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, ये पूरा जो वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज किया, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक को टीकाकरण को लेकर, क्या नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पोलियो का उन्मूलन में हर व्यक्ति ने मदद किया, इसी प्रकार से अब मीजल्स रूबेला का निर्मूलन इस देश में दिसंबर 2023 तक किए जाने का आह्वान भारत शासन ने किया है। हम और आपका दायित्व बनता है कि हम 9 महीने से 5 साल के हर उस उम्र के बच्चे को, जिसको दोनों डोज मिल जाने थे, मिले या नहीं, आपस में चर्चा करें, पूछताछ करें, समझाइश दें, और 100% अगर हम टीकाकरण कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि वायरस जिंदा रहेगा। तो वायरस किल कोरोना जैसे हमने चलाया था, इस प्रकार से किल एमआर वायरस अभियान ये चलाना है। किधर चलेगा कहाँ? रूबेला जो वायरस है, स्थिति तो ग्रामीण क्षेत्रों में खराब रहती है, इसको लेकर देखिए, आपको ये भावना थी पहले कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति रहती है, हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, 71,000 आशा है, 1,00,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी है, 45,000 गाँव में 44,00,000 हमारी ये आजीविका मिशन की महिलाएं होंगी, जिनको हमने इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर लिया है। इसीलिए कोविड वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने टॉप किया था कि हमारा मोबिलाइजेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है। आशा उषा तो आंदोलन पे हैं, नहीं वापस हो चुका है, वापस आ गए, और उनके नहीं आंदोलन करने के बाद वापस हो गए, लेकिन बीच में जो प्रभावित हुआ है उससे कितना नुकसान पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ अच्छी थी कि अगर आशा है नहीं है तो हमने एक पैरेलल व्यवस्था कायम की थी, हमारे पास विभिन्न सहयोगी संस्थाएं भी हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि रूरल मिशन के अंतर्गत आजीविका मिशन, जिनको हमने जागरूक किया, हमारे पास एनसीसी, एनएसएस, एनवाई के इस प्रकार की शहरी क्षेत्र में हैंगी संस्थाएं, जिनके बच्चों को 16,00,000 हमारे पास कॉलेजिएट एजुकेशन है, जिनको हमने जागरूक किया है विभिन्न माध्यमों से, और सबसे बड़ा हमारा जागरूकता का है स्कूली बच्चे ही ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने दो बूंद जिंदगी की घर घर तक संदेश पहुंचाया था, होमवर्क कॉपी के माध्यम से भी हम लोगों ने मैसेज किया, तो वो हर तरीके से हमने जागरूकता का एक अभियान चलाया है और उसमें सबसे अहम कड़ी आपकी है। एक सवाल आ रहा है, रूबेला ही लगाया जाएगा ना? हाँ, मीजल्स एंड रूबेला, तो ये दो टीके, मतलब दो बीमारी हैं। जो बच्चे छूट गए 1 से 5 साल की, मान लो उन्होंने लगवाया नहीं, तो उन्हीं को लगाया जाएगा? कब से कब तक लगाया जाएगा? नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है, नियमित टीकाकरण के अंदर लगा ही रहे हैं। अभियान का मतलब होता है कि हम एक भी बच्चा और एक ही घर ना छूटे। अभी तक ये होता था कि हम आंगनवाड़ी पे जाके बैठते थे और इंतज़ार करते थे, अब हम पहुँचे उन तक, जो ना पहुँचे हम तक, इस विधि विधान से हम इस अभियान को संचालित कर रहे हैं। जहाँ मरीज को काफ़ी दिनों तक घर में रखा जाता है और धार्मिक उपचार उसके किए जाते हैं जी, पुरानी परंपरा चली आ रही है जी, तो इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो उपचार भी कराएं, उनका जो परंपरा है वो भी जारी रहे? बिल्कुल, हम लोग कहीं ये नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा आदेश ला रहे हैंगे कि नहीं आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मगर हम आपको जागरूक ये कर सकते हैंगे कि पहले हवा जब चलती थी मल एरिया से, उसको बोलते थे मलेरिया, फिर बात आई कि हवा चली तो पोलियो हो गया, मगर हमने और आपने देखा नहीं, ये वायरस की बीमारी थी या वो मच्छर के काटने से बीमारी होती थी। तो इसी प्रकार से समझाइश के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ये कोई देवी प्रकोप नहीं है, अब विज्ञान ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से बता दिया कि सबसे सूक्ष्म वायरस है, सबसे घातक वायरस है, जानलेवा है, और ये लाइलाज है। तो लाइलाज बीमारी, और जिसके इतने कॉम्प्लिकेशन आपको मालूम है कि अंधत्व करता है, बहरापन लाता है, निमोनिया पैदा करता है, और मौत 30% है, तो यदि कोई परिवार को मालूम हो गया कि इतना भयानक वायरस है और बचाव का इतना लाजवाब टीका हैगा और गारंटी है बीमारी बचाव का, तो मेरे ख्याल में खुली आँख से मक्खी कोई नहीं खाता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ।